नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूनिक होम डिज़ाइन और आज मैं आप लोगों के लिए 30 बाई 40 फीट का एक घर का नक्शा लेकर आया हूं। और यह उम्मीद करता हूं यह जो नक्शा है आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए मुझे आप लोगों के द्वारा ही यूट्यूब पर कमेंट्स मिला हो, तो उम्मीद करता हूँ जिसने कमेंट्स किया था उनको पसंद आएगा और आप लोग भी इस प्लान को ज़रूर पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका फ्रंट 30 फीट है, लंबाई 40 फीट और यहाँ पर देखिए पार्किंग दिया गया है 11 बाई 16 फीट का और फ्रंट में इतना लॉन दिया गया है। बाहर की तरफ में एक टॉयलेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ से एक बेडरूम दिया गया है और इसमें दो एंट्री दिया गया है, एक हॉल से और एक बाहर से। जो इस बेडरूम का साइज है वह है 10 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का, तो यह मीडियम साइज का बेडरूम है। उसमें खूबसूरत बेड का भी लेआउट करके आपको समझाया गया है। फ्रेंड्स, यह देखिए लिविंग पब्लिक डाइनिंग एरिया है जिसका साइज है 21 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का। इसका जो लंबाई है वह है 10 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई है 21 फीट 6 इंच है। ये देखिए फर्नीचर का लेआउट किया गया है, सोफे का और यह डाइनिंग टेबल चेयर का लेआउट करके आपको समझाया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 7 बाई 10 फीट का किचन बनाया गया है और यह जो पोर्शन है यह किचन प्लेटफॉर्म है। किचन में आजकल मॉडर्न किचन बन रहा है तो डोर लगाने की आपका कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बेडरूम दिया गया है। बेडरूम का साइज है 12 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का और उसमें देखिए खूबसूरत बेड का लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें और यहाँ पर टीवी का लेआउट करके आपको समझाया गया है। फ्रेंड्स, इन दोनों बेडरूम के बीच में 5 बाई 8 फीट का एक टॉयलेट दिया गया है और जो कि साइज सफिशेंट साइज है। यहाँ पर देखिए हैंड वॉश बेसिन लगाया गया है, यह WC है और यहाँ पर टैप लगाया गया है। आप चाहें तो इसको अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यह पोर्शन देखिए डक्ट रहेगा क्योंकि यह जो प्लॉट है वह तीनों तरफ से पैक है, तो वेंटिलेशन तो थोड़ा सा चाहिए ही। तो इस बेडरूम के लिए, इस बेडरूम के लिए और यहाँ से थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 11 बाई 12 फीट का एक और बेडरूम बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए प्लान के साथ। थैंक यू।